हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट्स मॉइल प्लेसमेंट सर्विस एंड वी आर अ फ्री जॉब्स प्रोवाइडर। दोस्तों आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूं कि कहां पे आपको किस प्लेटफॉर्म में जॉब सर्च करनी है, कौन से पोर्टल अच्छे हैं, कौन से पोर्टल खराब हैं, किस पोर्टल पे आपको रिज्यूम अपडेट करना है, रिज्यूम आपको किस तरीके से अपडेट करना है। आज हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो पोर्टल आपको बताऊंगा जो अच्छे इस समय चल रहे हैं, किस किस प्रोफाइल के लिए कौन से पोर्टल आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। क्योंकि हम जब भी जॉब सर्च करते हैं, या तो हम डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करते हैं, या फिर जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं वैकेंसीज को, लेकिन कहां पे क्या वैकेंसी रहती है, कौन सा पोर्टल किसके लिए बेस्ट है, वो हम आज यहां पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन्होंने दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर जो भी जॉब प्रोवाइड होती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, किसी का भी कोई चार्जेस किसी भी तरीके का नहीं रहता। हम ट्राई करते हैं, मॉइल प्लेसमेंट सर्विस ट्राई करती है कि जितना हो सके आपको अच्छा प्रोवाइड करें, अच्छी वैकेंसी प्रोवाइड करें। तो जो हमारे पास वैकेंसी रहती है उससे पहले हमारा कंपनी के साथ टाई अप होता है, इसलिए उसके बाद हम आप लोगों के लिए वैकेंसी लेकर के आते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि कौन कौन से पोर्टल किस किस वैकेंसी के लिए सही है। दोस्तों अगर हम पोर्टल की बात करें, आजकल नंबर ऑफ पोर्टल आ रखे हैं, जॉब है, नौकरी, शाइन, फाउंडेड और वर्क इंडिया, क्विकर, इस तरीके से आने वाले बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनके नाम हैं। तो इनमें आपको किस टाइप की जॉब, हर एक ऐप को तो आप मोबाइल पे इंस्टॉल करके नहीं रख सकते, क्योंकि इतनी एप्स को इंस्टॉल करना मतलब कंफ्यूज करना। अगर आप सारी वैकेंसी पे भी आप इंटरव्यू के लिए जा नहीं सकते, तो आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ एप्स बताऊंगा, आप उनको डाउनलोड करके रखो, बाकी जो लिस्ट से हटानी है सबसे पहले मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। देखो जो एप्स अगर आप सर्च कर रहे हो जूनियर प्रोफाइल की जॉब्स, मतलब आपको कोई सीनियर लेवल की प्रोफाइल नहीं चाहिए, जूनियर प्रोफाइल चाहिए, तो बेसिकली देखो ऑल टाइम नंबर वन पे Naukri.com अभी तक स्टिल वर्किंग है। नंबर वन पे आपका Naukri.com है। Naukri.com की वेबसाइट पे अगर आप रिज्यूम बनाने जाते हो तो उसका फॉर्म सबसे ज्यादा भरा है। आप अगर उस फॉर्म को चेक करोगे आपको कम से कम हाफ एन आवर लगेगा, अगर आप कंप्लीट अपनी प्रोफाइल को क्लियर अच्छे से बनाते हो तो उस पे कैसे बनानी है, कैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है, हमने वीडियो बना रखी है, आप सर्च करना Naukri.com पे प्रोफाइल कैसे बनाए, आगे लिख देना मॉइल प्लेसमेंट सर्विस, तो आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी कि कैसे Naukri.com पे आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइल बनानी है। अगर आप लोगों को किसी पोर्टल पे रिज्यूम अपडेट करना है, कैसे करना है, तो आप वो पोर्टल का नाम कमेंट पे बता देना, मैं उसका पूरा स्टेप का एक वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो ऑल टाइम नंबर वन जो आपका रहता है वो है Naukri.com, उस पर आप बनाओ, लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसके लिए आप वीडियो चेक कर लो, लेकिन बेस्ट है। तो ये सीनियर और जूनियर प्रोफाइल दोनों के लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहां पर जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, जो MNCs हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो इस पे सबसे ज्यादा अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर पे जो पोर्टल आता है वो है shine.com और founded.com। इनको मैं इक्वल रखूंगा क्योंकि ये बहुत ही पुराने दोनों पोर्टल्स हैं, तो इन दोनों को मैं Naukri.com के बाद जगह देता हूं, क्योंकि शाइन भी अच्छा है और फाउंडेड भी अच्छा है। लेकिन ये दोनों पोर्टल किसके लिए है, ये छोटी प्रोफाइल्स के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा सीनियर प्रोफाइल्स के लिए है। अगर आप बिल्कुल ही जनरल प्रोफाइल पे जा रहे हो तो उससे नीचे वाले पोर्टल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो अगर आप मीडियम रेंज की प्रोफाइल में हो तो इन प्रोफाइल पे आप अपडेट कर सकते हो। इसमें आपको सीनियर वैकेंसीज भी मिलेंगी, जूनियर भी मिलेंगी, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली है वो भी मिलेंगी। लेकिन पहली जो रेंज थी वो था Naukri.com, दूसरी जो रेंज है वो है shine.com, founded.com, जो पहले मॉन्स्टर नाम हुआ करता था। इस पे आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो इस पे भी आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो अगर आप IT से हो या नॉन IT से हो, उसके लिए आपको जो कीवर्ड्स डालने हैं वो भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सेकंड सेगमेंट में Naukri.founded और shine.com आ गया। उसके बाद अगर हम तीसरे लेवल की बात करें तो तीसरे लेवल पे भी हमारे पास कई ऐसे पोर्टल्स हैं जो इनिशियल लेवल, जो स्टार्टिंग का लेवल होता है, उसके लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और अभी मार्केट में ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है वर्क इंडिया का। दोस्तों मैंने खुद यूज किया है, अच्छा रिस्पॉन्स है,
वर्क इंडिया आप यूज कर सकते हो पहले नंबर पे। दूसरा है आपका जॉब है, जॉब है भी इज गुड, ये naukri.com ने इसको एक्वायर कर लिया है जॉब है को अपने जूनियर लेवल वाले सेगमेंट में। तो तीसरे नंबर पे आता है अपना, जो अपना पोर्टल है ये भी, जब ये गाना आया था अपना टाइम आएगा उस टाइम का ये पोर्टल है और उस टाइम पे ये मार्केट में आया था इसीलिए इसका नाम अपना है। और ये तीनों एक लेवल पे नहीं, अगर मैं वर्क इंडिया को लूं तो वो थोड़ा सा इनसे ऊपर है क्योंकि वर्क इंडिया सोशल मीडिया पे बहुत मार्केटिंग कर रहा है, गूगल पे बहुत मार्केटिंग कर रहा है, अपना जो पैसा है वो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहां पर आपको क्लाइंट्स भी ज्यादा मिलेंगे। और एक चीज और, वर्क इंडिया पे आपको ज्यादातर जेन्युइन कंसल्टेंसीज मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर जेन्युइन कंसल्टेंसीज मिलेंगी, फर्जी वाला इसमें थोड़ा सा कम है बजाय अदर के, क्योंकि जो कंसल्टेंसीज होती हैं ये थोड़ा सा उनको वेरीफाई करता है, क्योंकि हम पोर्टल यूज कर रहे हैं, हमने सारे पोर्टल यूज करे हुए तो हमने इसमें क्राइटेरिया इनका देखा है कि ये थोड़ा सा कंसल्टेंसीज जो फ्रॉड हैं उनको नहीं देते हैं, जेन्युइन को देते हैं। तो मेरी जब बातचीत हुई थी तो मेरे को ये चीजें भी सामने पता चली, तो इसलिए ये बेनिफिट रहेगा कि आप वर्क इंडिया यूज करें, क्योंकि इनमें फॉर्म भी आपका छोटा रहेगा और आप इसको अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है जॉब है, जॉब है भी एक गुड प्रोफाइल है, यहां पर भी आपको ग्राउंड लेवल की जॉबें या सीनियर अपर लेवल की जॉबें यहां पे आपको मिल जाएंगी। और इसके बाद आता है अपना, अपना इज इक्विवेलेंट टू दीज, मतलब ये आप एक पैरेलल में रख सकते हो या थोड़ा ऊपर आप वर्क इंडिया को रख सकते हो, क्योंकि ये तीनों अभी मार्केटिंग में अपना बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए नए पोर्टल्स हैं जो मार्केट में आए हुए हैं। इनके बाद और सबसे वर्स्ट जो है वह है क्विकर। दोस्तों ना तो मार्केटिंग में कोई क्विकर अपना इन्वेस्ट कर रहा है, ना ही गूगल वगैरह एड्स वगैरह पे चलता है, तो यहां पर जो पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे वो भी इसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो कस्टमर है वो भी अगर इस पर अपना रिज्यूम अपडेट करता है तो उसको सबसे ज्यादा जो कॉल आती है वो आती है फर्जी कंसल्टेंसीज की। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट पे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है जो क्विकर का मैंने रिव्यू किया है तो इज नॉट गुड फॉर यू, आप इसको बंद कर दीजिए, इस पे प्रोफाइल मत बनाइए। हाँ अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन जो प्रोफाइल जो अपडेट मैंने आपको दिए हैं, जो रिकमेंड मैंने किए हैं, उनमें से कोई भी आप दो पे अपना यूज कर सकते हो। जैसे आपने एक कोई सीनियर लेवल वाला पोर्टल यूज कर लिया, जैसे नौकरी कर लिया या शाइन कर लिया या फाउंडेट कर लिया, इन तीन में से आप एक या दो पे अपना रिज्यूम बना दीजिए, और जूनियर में आप किसी भी एक पे अपना रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं, या दो पे भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको उस पर एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी पोर्टल पे कैसे रिज्यूम अपडेट करना है, अगर ऐसा कुछ चाहिए, या फाउंडेड का आपको लिंक चाहिए, फाउंडेड पे भी आप चेक कर सकते हो, पूरा फॉर्मेट हमने दे रखा है कैसे कैसे आपको रिज्यूम अपलोड करना है। उसके लिए आप लिखोगे फाउंडेड पे कैसे रिज्यूम अपलोड करें, और आगे लिख दोगे मॉडल प्लेसमेंट सर्विस, तो आपकी कंप्लीट वीडियो वहां पर आपको शो हो जाएगी। अगर आप किसी भी पोर्टल के बारे में ऐसा चाहते हो कि आपको कैसे रिज्यूम अपलोड करना है वो पता चले, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको जल्दी इसके रिगार्डिंग नॉलेज हम देंगे। तो दोस्तों ये थी आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये आपकी बहुत यूज आने वाली है अगर आप इन पोर्टल्स पे अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।